उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना चलाई है ताकि गरीब परिवारों का सही ढंग से भरण पोषण हो सके, परंतु बहुत अफसोस की बात है कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के हुजरा शरीफ गांव निवासी मंजू देवी सहित कुल 3 लोगों का एक साल से समाजवादी पेंशन ना मिलने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? 5 लोग। आपको पेंशन मिलती है? मिलती है, लेकिन एक साल हो गया मिली नहीं रही। आपको कौन सी पेंशन मिलती है? महामाया समाजवादी। कितने दिन से नहीं मिल रही है? एक साल हो गया। पेंशन पाने के लिए क्या किया आपने? प्रधान के पास गए। कितने बार प्रधान के पास गए? 3-4 चक्कर प्रधान के पास गए, कहीं मिल जाएगी, और 2-3 चक्कर बैंक गए, कहीं अभी आई नहीं। पेंशन ना मिलने से क्या दिक्कत हो रही है? अरे भैया, खाए पिए की दिक्कत है। यदि आपको पेंशन मिलती तो क्या फायदा होता? अरे बच्चन का एडमिशन करवा दे, कुछ गल्ला पानी ले ले खाए का। आपको पेंशन मिलती है? साल भर से नहीं मिली है। कौन सी पेंशन मिलती है? महामाया की। तो पेंशन पाने के लिए कुछ प्रयास किए हो? करा है, 3-4 प्रधान से कहा है, 2-3 फिर गवाह है नई बाजार देवीगंज। तो वो देवीगंज किस लिए गई थी? ये पैसा निकला है बैंक। हाँ, तो क्या हुआ आज तक? कहते कि नहीं, तुम्हारे में नाम नहीं ना है। यदि आपको पेंशन मिलने लगेगी तो क्या फ़ायदा होगा? फायदा बहुत हो जाएगी। क्या फ़ायदा होगा? अरे फायदा हो कि नून तेल का हो जाए, कपड़ा लत्ता का, लड़कन का, खाए पिए का। मैं और मेरा समुदाय ये चाहता है कि इनकी रुकी हुई पेंशन जल्द से जल्द मिले, जिससे इनकी समस्या दूर हो। वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454-46-45-75 पर कॉल कर दबाव बनाएं, जिससे इनकी समस्या दूर कराई जा सके। मैं महेश कुमार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।